सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, टू नंबर, लेट ए इक्वल टू में मैट्रिक्स है 5 2 2 1। चलिए अब यहाँ पे ले लेते हैं ए इक्वल टू में, आइए ए का वैल्यू है यहाँ पर 5 2 2 1 और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका 1 0 0 1 और ए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, तो यहाँ ठीक करने के लिए हम लिखेंगे आर वन के प्लेस पर R1 - 2R2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, यही हम लोग ऑपरेशन है यूज करते हैं। चलिए देखिए यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 - 2 × R2, ये R2 भी यहाँ लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें 2 - 2 × 1 यानी कि आ जाएगा ये 0, 2 1 ऐसे रहेगा, इधर भी वही काम करेंगे R1 यानी 1 - 2 × 0, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 0 - 2 × 1 माइनस का 2 हो जाएगा 0 1। अब यहाँ पे हमें सुधार करना है, 0 लाना है, तो एक काम करते हैं हम लिखते हैं कि R2 के प्लेस पर R2 - 2 R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, काम हो जाएगा ये 1 0, ये R1 वाले एलिमेंट वैसे रहेंगे R2 में, 2 - 2 × 1 यानी कि 0, 1 - 2 × 0 तो ये 1 ही रह जाएगा इक्वल टू में, इधर आइडेंटिटी आ गया। अब इधर आप सॉल्व कर दीजिए 1 - 2, यहाँ देखिए 0 - 2 × 1 यानी माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 × -2 तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ए में जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा 1 - 2 - 2 5, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन